सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, ओम शांति। गुड मॉर्निंग दिव्य बुद्धिदाता, दिव्य खजानों के मालिक, हम बच्चों को बनाने वाले बाबा आज कह रहे हैं, सारी सृष्टि का पालन करता एक बाप है, वो कभी किसी की पालना नहीं लेते क्योंकि सदा निराकार है। यह बातें सिद्ध करके सबको समझाओ। बोले बाबा, बोले तुम बच्चे तो समझ गए लेकिन सबको समझाओ। साथ में वह प्रश्न पूछ रहे हैं, गॉडली स्टूडेंट की पहली मुख्य निशानी क्या होगी। बाबा कहते हैं, गॉडली स्टूडेंट कभी भी मुरली सुनने बिगर नहीं रह सकते। बाबा कहते हैं, वो ऐसे नहीं कहेंगे कि हमें मुरली सुनने की फुर्सत ही नहीं मिलती। जहां भी है पॉइंट्स मंगा कर भी पढ़ेंगे। कितनी अथाह पॉइंट्स चलती है, अगर मुरली नहीं सुनेंगे तो धारणा कैसे होगी। यह पढ़ाई है, सुप्रीम टीचर पढ़ाने वाला है, तो बच्चों को मुरली कभी मिस नहीं करनी चाहिए। साथ में बाबा बड़े प्यार से बहुत प्यारा गीत याद कर रहे हैं, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। बाबा कहते हैं, अब तुम आत्माएं बाप को जान गई हो। कैसे जानते हो? कि बाबा एक शिव बाबा है जिसको कोई भी सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं मिलता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, नाम भी है, बच्चे समझते हैं उनमें आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है। इस समय तुम बच्चे त्रिलोकी नाथ बनते हो। लक्ष्मी नारायण को कोई त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे क्योंकि तीनों कालों का ज्ञान संगम पर परमात्मा हम बच्चों को देते हैं, इसलिए टाइटल हम बच्चों को मिलता है। बाबा कहते हैं, सिर्फ एक ही शिव निराकार है, बाकी कोई निराकार नहीं हो सकते, सबको साकार है, मतलब शरीर है सूक्ष्म या स्थूल। तो बाबा कहते हैं, मंदिर तो उनके अनेक प्रकार के बने हैं और नाम भी अनेक प्रकार के रख दिए हैं। ढेर मंदिर है जहां लिंग रखा रहता है, बॉम्बे में है उसको बबुलनाथ कहते हैं, मतलब बबरीनाथ। बाबा कहते हैं, एक तो शिव विलायत आदि तरफ बहुत नाम रखे हुए हैं। अभी तुम समझ गए हो, गॉड फादर एक ही निराकार शिव है जिसकी पालना भी नहीं होती है और सभी की पालना होती है। बाबा कहते हैं, आत्मा छोटे शरीर में आती है, गर्भ में तो अपना अंगूठा चूसती है, शिव बाबा को अंगूठा नहीं है जो चूसना पड़े क्योंकि शरीर ही नहीं है। तो शिव बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं शिव बाबा? कहते हैं, मैं तो गर्भ में जाता नहीं हूं क्योंकि मेरा जन्म नहीं होता है, अवतरण होता है और मैं ब्रह्मा तन में आता हूं। हमको तो कहते ही हैं सारी सृष्टि के पालनहार पालन करता, तो मेरे ऊपर कोई है ही नहीं। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए। विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकलना चाहिए। बराबर शिव बाबा बाबा है, उनको माशुक भी कहा जाता है।
सभी मनुष्य मात्र आशिक है उस मासूक के। इसलिए बाबा कहते हैं तुम सब सजनिया हो। और वो साजन ठहरा कौन? परमपिता परमात्मा निराकार। कोई साकार व आकार को साजन नहीं कहा जा सकता। सभी का माशुक एक ही निराकार बाबा है। निराकार आत्माएं अपने माशुक को याद करती है। याद क्यों करती है? जरूर कुछ ना कुछ तकलीफ है। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं। यह आशिक माशुक निराकारी है। वो जो साकारी आशिक माशुक होते हैं उन्हों की भी महिमा है और वो बहुत थोड़े होते हैं। बाबा कहते हैं विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण, तो जरूर उनकी डिनास्टी भी होगी। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो जरूर प्रजा भी होगी। बुद्धि भी कहती है सतयुग आदि में इतने होंगे फिर वृद्धि होती जाएगी। सतयुग आदि में लक्ष्मीनारायण का राज्य था। नदी के किनारे रहते थे। ये जो दिखाते हैं सागर में द्वारिका डूबी आदि, ऐसी कोई बात नहीं। नदी किनारे रहते थे ये जो दिखाते हैं सागर में, ये सब ठीक बात नहीं है। ना कोई सागर के किनारे देवताओं के गांव होते हैं। ये बंबई थोड़ी आदि होगी। अभी यह तुम्हारी बुद्धि में है। मस्ट विलेवेड गॉड फादर क्राइस्ट को गॉड फादर नहीं कहेंगे। जानते हैं क्राइस्ट मैसेंजर है। परमपिता परमात्मा ने उनको भेजा है और आते हैं निराकारी दुनिया से, उनको गॉड फादर नहीं समझते। तो भागते हैं वहां स्वर्ग में तो आदम शुमारी होती ही नहीं, क्योंकि है ही देवी देवता धर्म। तो पूछने की दरकार ही नहीं। यहां बहुत धर्म है इसलिए पूछते हैं। यह सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। तो बुद्धि से बाप को याद करना है। यहां बहुत धर्म है इसलिए पूछते हैं। तो भागते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी आकारी चित्र देखने में आता है। शिव का कहा है? बाबा कहते हैं ये तुम बच्चे जानते हो और उनको समझाओ। जानने वाले ही नाथे हुए। तुमको अब त्रिलोक का ज्ञान है, यह सिर्फ तुमको मिलता है। सतयुग में ज्ञान नहीं रहता। त्रिलोकी ज्ञान कब मिलता है? संगम पर। कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना नशा होना चाहिए कि बाबा सिर्फ हम बच्चों को देता है। दिलवाड़ा मंदिर में शिव आदि देव आदि और देवी और तुम बच्चे हो, क्योंकि तुम अभी सर्विस करते हो। ये बाप कितना साधारण है, कितना फर्क है सच और झूठ का। सच बताने वाला तो एक बाप ही है। बातें यह तो बच्चे समझते हैं बाबा जन्म मरण रहित हैं। वो पुनर्जन्म नहीं लेते परंतु उनकी जयंती मनाते हैं। यह तो शिव जयंती को भी खत्म करते जाते हैं। अब कौन बताए शिव का जन्म कैसे हुआ, क्या क्या होगा? हाँ, गीता में श्री कृष्ण का नाम डाला है परंतु उसी रूप से तो आ ना सके। श्री कृष्ण को वैकुंठ का नाथ कहेंगे, त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे। तो वैकुंठ अथवा स्वर्ग कहां था? यहीं था। श्री कृष्ण भी यहीं था। राधे कृष्ण कोई भाई बहन नहीं थे। तो बाबा कहते हैं ये समझने की बात है। समझेंगे हम जैसे वैकुंठ में बैठे हैं तो बाबा ने बहुत दिखाया, फिर भी पिछाड़ी में तुम बहुत देखेंगे। कि कैसे समझेंगे कि हम स्वर्ग में बैठे हैं? तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं अच्छा होशियार सेल्समैन बन अविनाशी ज्ञान रत्न का व्यापार करना है। अविनाशी त्रालत बनाने के लिए अपना बुद्धियों के एक बाप से लगाना है। पास हुई तो अनर होने के लिए सच्चा सच्चा आशिक बनना है। निरंतर एक माशु की याद में रहना है। बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं सर्वशक्तिमान के
साथी बन सर्व के प्रति शुभ भावना रखने वाले, चिंतन व चिंता मुक्त भाव। कई बच्चे चिंतन करते हैं फलाने की बीमारी ठीक हो जाए, बच्चा व पति ज्ञान में चले जाए, धंधा ठीक हो जाए, यह भावना तो अच्छी है, लेकिन आपकी यह चाहनाएं पूर्ण तब होगी जब स्वयं हल्के हो, बाप से शक्ति लेंगे। इसके लिए बुद्धि रूपी बर्तन खाली चाहिए। सभी का कल्याण चाहते हो तो स्वयं शक्ति स्वरूप बन सर्वशक्तिवान के साथी बन, शुभ भावना रख चलते चलो। चिंतन व चिंता मुक्त बनो, बंधन में नहीं फंसो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, जो प्रश्नों से पार रहते हैं वही सदा प्रसन्नचित रहते हैं, कोई प्रश्न नहीं मन में। तो आज के मुरलीकंठ सराम सो मान लेंगे, मेरा साथी सर्वशक्तिवान बाबा है। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।